लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के खाट बाट में, इसी दुनिया के ठाठी बाट में, क्यों बंदे तू फूला है, क्यों बंदे तू फूला है। मान प्रतिष्ठा धन पद पाकर, क्यों बंदे तू भूला है। मान प्रतिष्ठा धन पद पाकर, क्यों बंदे तू भूला है। ठाट बाट और माल खजाना, ठाट बाट और माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे, हद तक ही संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे, हद तक ही संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी, कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से स्नेह धरे तू वो भी देख डराएगी, जिस नारी से स्नेह धरे तू वो भी देख डराएगी।
एक मास तक याद रखेगी, एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। राजा रंग के पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, राजा रंग के पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर, जय गुरुदेव नाम ही आखिर, साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम।
जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता रम गता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, वही दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी मान दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे सुरती भी गए अमीर सधार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो डर प्यार घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दाता रम गता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 8 जनवरी
2018 को धुलिया तथा आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में आते हैं कि सत्संग की बातों को सुना और कहा जाता है। आप कुछ लोग तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कुछ लोग बीच बीच में समय निकाल करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आप हो कि जिनको पहली बार सत्संग सुनने को मिल रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, बहुत से लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग इस वक्त पर बिरले ही स्थान पर होता है और बिरले ही लोगों को मिलता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले के समय में बराबर जगह जगह सत्संग होता रहता था, लोग आयोजित करते रहते थे, सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे, संत महात्माओं के आश्रमों पर लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे, वचनों पर अमल करते थे, और जब उनके बताए रास्ते पर गृहस्थ चलता था तो बड़ी खुशहाली थी, बड़ा प्रेम था, लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोगों में प्रेम था, बरकत मिलती थी, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात कुदरत देती थी, कुदरत के नियम के खिलाफ लोग काम नहीं करते थे। यह मनुष्य शरीर जो उस मालिक ने दिया, जो देवडोलक शरीर बताया गया, इस शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य लोग समझते थे, लेकिन जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद किया तब से इस शरीर के लिए ही इस दुनिया संसार में सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते कि बुढ़ापे में कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। लेकिन ये शरीर किसी का हमेशा रहा? शरीर तो छोड़ना ही पड़ा। कितने लोग आए इस मृत्यु लोक में, सबको छोड़ के जाना पड़ा। एक से एक बलवान, एक से एक धनवान, एक से एक जो भगवान कहलाए वो लोग आए और छोड़ करके चले गए। ये मृत्यु लोक है, इसका नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस वक्त पर इंसान अपने मौत को ही भूल गया। पहले के समय में देखो अल्प मृत्यु ने कौनो पीरा और सब सुंदर सब विरुष शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं होती थी। अल्प मृत्यु का मतलब क्या होता है? जो उम्र मिली है उसको पूरा करके, यानी जो मरता था वो तो उम्र पूरा माना जाता था, और उम्र पूरा किए हुए अगर दुनिया से चला गया तो वो अल्प मृत्यु कहलाती है। आप देखो इस वक्त पर अल्प मृत्यु बहुत हो रही, तमाम देखो दुर्घटनाएं हो रही, तमाम मार काट हो रहा है, तमाम लोग आने समय लो नशीली चीज़ों को खा करके मर जा रहे हैं। आप देखो भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा पुत्र को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, माँ को मार दे रहा है। अल्प मृत्यु बहुत होती है। इस वक्त पर सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक घर वापस आ जाएगा। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, और कौनो पीड़ा, किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, यानी शरीर से यानी मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट, यानी किसी को नहीं होता था। सब स्वस्थ रहते थे, सब को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहती थी, लोगों के सामने समस्याएं नहीं रहती थी। कब? जब सत्संग मिलता था।
और मनुष्य शरीर के बारे में लोगों को जानकारी हो जाती थी कि भाई ये किस काम के लिए मिला, तो आप समझो ये विशेष काम के लिए मिला। अब जो मतलब समझ जाता है इस हाथ का, पैर का, आंख का, मुंह का, कि भाई यानी इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह का इसका प्रयोग किया जाए, वो तो सुखी रहता है और नहीं तो शरीर से कष्ट पाता है। देखो हाथ से जो कत्ल कर देता है, मार देता है, कोई गलत काम कर बैठता है तो उसके शरीर को कष्ट होता है, सजा होती है, जेल जाता है, लोग मारते पीटते हैं। आप देखो पैर से चोरी चकारी या गलत काम करने के लिए गया तो पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, यानी समझो मानसिक तकलीफ भी होती है, शारीरिक तकलीफ भी होती है और पैसा भी खर्चा होता है। आप देखो यानी समझ लो कि आँख से अगर गलत नज़र देखता है, कुदृष्टि जिसको कहते हैं डालता है, तो यानी समझ लो तो भी मार पड़ती है, यानी समझ लो कि तो भी लोग समाज से निकाल देते हैं। आप देखो मुँह से कोई गलत काम करता है, बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो भी तकलीफ। आप किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से आँख कान हाथ पैर का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से होती है। आप देखो शरीर छूटने के बाद दुनिया की चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये कोई भी सार जाने वाली नहीं है। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि भाई यही के लिए तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो और छोड़ करके जहाँ तुमको जाना है कुछ वहाँ के लिए भी करो, तो आदमी वहाँ के लिए भी करने लगता है। अब रही बात ये कि यह ज्ञान तो लोग देते हैं कि भाई बुरा करोगे तो नरक जाओगे और अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन मान लो कोई बुरा किया ही तो नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी नहीं करा पाते हैं। लेकिन सत्संग में इस चीज़ की भी जानकारी कराई जाती, अच्छे और बुरे की और बुराइयों से बचने की, और बुरा कर्म अगर हो गया तो वो क्षमा हो जाए, उसकी सजा न भोगनी पड़े, इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, यह बड़ा अनमोल है, ये देव दुर्लभ शरीर है, यानी समझ लो देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, वो इसको उस मालिक से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते हैं। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इस वक्त पर इंसान जो भी काम कर रहा है पराया काम कर रहा है, घर मकान बनाते हैं कहते हैं मेरा मकान है, जमीन खरीदते हैं कहते मेरी जमीन है, दुकान खोलते कहते मेरी दुकान है, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं कहते ये मेरा है, हीरा मोती ये मेरा है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो किसका होता है, अरे उस मकान में कौन रहता है, दुकान की आमदनी कौन खाता है, खेती की उपज कौन इस्तेमाल करता है, दूसरे लोग करते हैं। तो आदमी जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है कि दूसरे के लिए कर रहा है, तो समझता तो है हम अपने लिए कर रहे हैं लेकिन करता दूसरे के लिए, तो अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराया देश नहीं फंसना, ये पराया देश है, कुछ समय के लिए आप यहाँ भेजे गए हो और इसको आपको खाली कर देना पड़ेगा, तो अपने घर चलो, तो अपना घर कहाँ है, अपना घर ऐसी जगह पर है जहाँ कोई रोना धोना है ही नहीं, जहाँ कोई दुख है ही नहीं, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ उजाला ही उजाला अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई यानी झाड़ू लगाता नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, जहाँ की आवाज़ें मस्तानी आवाज़ें जिनको अनहद बेजमारी खुराई आवाज़ गैबी आवाज़ कहा गया, जहाँ पर वो आवाज़ सुनाई पड़ती है वो अपना देश है, वो अपना घर है। तो आप उस घर में पहुँचोगे कैसे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर रास्ता है, देवताओं के शरीर के अंदर नहीं है, उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है,
उस शरीर के अंदर रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने घर पहुंच सकें, स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं। उसके ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल बहुत से लोक हैं, उन लोकों में भी नहीं जा सकते। पूरी छेड़े मृत लोके जो अनुपूर्ण किए और स्वर्ग वैकुंठ में गए और वो पूर्ण जैसे खत्म हुआ मृत्युलोक में भेज दिए जाते हैं। अब ये जरूर है कि राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेते हैं, शेर साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, खाते हैं गृहस्थों का, वो भजन पूजन नहीं कर पाते, कर्म अच्छे नहीं कर पाते, तो फिर उनको सजा मिल जाती है। तो देवता नहीं जा सकते, लेकिन आप ऊपरी लोकों में जा सकते हो, आप देवलोकों में जा सकते हो, आप देवता का दर्शन कर सकते हो और उनसे ऊपर जो ब्रह्म पार ब्रह्म उन लोकों में आप जा सकते हो। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है ना, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और पाए न जब पर लोक संवारा, सो परत दुख पाव ही सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। साधना का घर पूजा का मंदिर है, और जो इसको नहीं समझ पाता है उसका समय बेकार चला जाता है। जैसे पशु और पक्षी यानी खाते हैं, बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे इंसान भी चला जाता है। अब ऐसे नहीं चला जाता है, ये जो जीवात्मा है ये यानी समझ लो तकलीफ पाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं और बता दें, आपको साफ कर दें, शरीर को चलाने वाली शक्ति जिससे शरीर चैतन्य रहता है, हर चीज का ज्ञान भान होता है, दुख और दर्द का अनुभव होता है, वो है जीवात्मा। आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरी यानी प्रवाहित की जाए, डाल दी जाए, भोग दी जाए, तो खून निकलेगा, दर्द होगा, रोग चिल्लाओगे, लेकिन जीवात्मा निकल जाने के बाद कितना भी अंग अंग काट डालो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यही है जीवात्मा, तो यह जीवात्मा फंस जाती है। अब आप ये समझ लो कि जो अपने वतन अपने घर आना जाना सीख लेते हैं और मालिक के पास आने जाने लगते हैं, जब उनका समय पूरा होता है तो आराम से उनकी आत्मा निकल जाती है। जैसे संत सदगुरु होते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, बराबर उनकी आत्मा और उनके प्राण उनके ऊपर निर्भर करते हैं। जब वो चाहे निकाल लें तो उनके जो प्राण होते हैं आराम से वो निकाल लेते हैं, और जो अन्य साधक सिद्ध होते हैं उनके भी प्राण सुषुम्ना फोड़ कर आराम से निकल जाते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, उनके प्राण आँख से मुँह से कान से निकलते हैं, लेकिन जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं, चोरी करते, डकैती करते, व्यभिचार करते, कत्ल करते, इस मानव मंदिर को गंदा करते, इसमें मुर्दा मांस भरते डालते, ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है वो निकाली जाती है, निकलती नहीं है। यमराज के दूत आते हैं, मार मार करके निकालते हैं, यानी कितना भी यानी रोवे चिल्लाए लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं होते। उस समय पर आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान टुटली हो जाती है, खून बिल्कुल पानी हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, हड्डी हड्डी चटकती है, रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, लोग खड़े रहते मदद नहीं कर सकते, और यमराज के दूत मार मार करके मशाल से झुलस करके जीवात्मा को अनि टट्टी यानी जिसको संदास आप कहते हो उस रास्ते से अनि पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। देखो इसीलिए बहुत से लोगों का आखिरी वक्त पर टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो ये शरीर तो जीवात्मा के निकलने के बाद यही धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है,
तो कहेगा ना लायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। बताओ, हीरा जैसी काया, रेव डूलर शरीर, बढ़िया साबुन से धुलाई करता हूँ, तेल एट्रफोलियल लगाता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छे मकान में रखता हूँ इसको, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर लेकर चलता हूँ इसको बैठा करके, और यह बता रहा है कि ये मिट्टी है, मोतिया बिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शरीर छूटने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेर साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे ज्योतिषी वैज्ञानिक का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, और यही कहते हैं जल्दी ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, पर ले जा करके इसको जला देते हैं। यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसको जो चलाने वाली रूह है, जीवात्मा है, उसका क्या हाल होता है? उसको पिशाच के शरीर में बंद करते हैं। जो आदमी जैसा ही शरीर होता है, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। बड़ा भी हर रास्ता, तपता हुआ तवा जैसा होता है, ऐसे धरती गरम गरम राख ऊपर से बरसती रहती, अंगारे पीछे हुए रहते, कांटे त्रिशूल पर से इसको खींचते घसीटते ले जाते, जिन जानवरों को आज यहाँ लोग मार करके खा जाते हैं, वो जानवर भी वहाँ पर बदला लेने के लिए रास्ते में मिलते, पंजा मार देते, दांत से नोच लेते, लहू लसान खून से लथपथ जीवात्मा को ले जा करके यमराज के सामने पेश करते हैं। देर नहीं लगती है उसके हिसाब करने में, क्योंकि उसके पास तो सारा खाका होता है, सब कुछ। आप तो बहुत से लोग कहते हो कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके बचपन से लेकर के और अब तक का जितना भी काम आपने किया, वो सब देख रहा है, और उसके पास सब टेप हो रहा है। जैसे पहुंचोगे और वो डांटेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, भजन पूजन के लिए, इबादत के लिए, यह तुमको मनुष्य शरीर अनुष मालिक ने दिया, ये तुमको दिया गया, और माँ के पेट में तुमने मांगा कि हमको बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के, और फिर भजन पूजन ही करेंगे और किसी काम में नहीं लगेंगे, हमारा यह निशाना रहेगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो आदमी इंसान जो होता है, वो अपने किए हुए को भूल जाता है, परसों किए कल भूल गए, और आज जो सुबह के दोपहर में किए अभी भूल गए, और आप बहुत से लोग इन बातों को जो सुन रहे हो, अगर इसको याद नहीं करोगे, मोटी मोटी बात को पकड़ोगे नहीं, तो सुबह होते ही भूल जाओगे। तो आदमी की भूलने की आदत होती है, तो वो सब भूला हुआ होता है, भूला हुआ होता है तो वो कहता हमने तो कोई अपराध पाप कुछ किया ही नहीं, तो उसे दिखा देता है ऐसे कि देखो ये तुमने किया, और ये तुमने कर्म किया, और इस तरह से तुमको समझाने वाले भी मिले, सत्संग भी मिला, और उन्होंने तुमको समझाया बताया भी, लेकिन तुम नहीं माने, और ज्यादा अगर ना किया तो ऐसे दिखा देगा, इसी तरह से ऐसे फोटो लगा हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच बना हुआ इसी आवाज में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको मना किया था, लेकिन तुम माने नहीं, तो अब तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बड़ी मार पड़ती है नरकों में, 100-100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, जब वहाँ की सजा मिलती है, कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। यहाँ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके चले आते, वकील रख लेते, बैरिस्टर रख लेते, सिफारिश लगा देते, सेटिंग कर लेते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता है,
माफी का समय तो यही मृतलोक में ही रहता है। माफी तो केवल संतों के महात्माओं के ही हाथ में रहती है, उनसे जो दीन बन करके और आर्त बन करके अरे प्रार्थना करके माफी मांग लेता है उनकी तो माफी हो सकती है। लेकिन जब माफी का समय निकल जाता, शरीर छूट जाता है, तब कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। तो बहुत दिनों तक नरकों में रहना पड़ता है। टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, मुर्दों का अलग, कांटों का अलग, बहुत से नरक हैं। उन नरकों में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। वहां से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, यानी मुर्गा भैंसा बकरा के शरीर में इसी जीवात्मा को बंद किया जाता है। वहां से जब छुटकारा मिलता है तो गाय और बैल की योनि में अन्य समय लोक बंद किया जाता है। अब गाय और बैल की योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। यह आप समझ लो कि यह मनुष्य शरीर अन्य बड़े भाग से मिलता है और कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नृत्य दुर्लभ पाया। 9 महीने लटकने के बाद ही आज तक अन्य जिसको मनुष्य शरीर मिला मिला। आप देखो मकान आप बनाओ, किसी बहुत तेज बिल्डर को जो बहुत जल्दी मकान बना के तैयार कर देता है उसको आप ठेका दे दो और कह दो हमारा मकान बना दो, कितना टाइम लोगे? कहेगा 2 साल। नहीं भाई, 2 साल नहीं, 1.5 साल में बना दो, रात दिन काम लगा दो, पैसा ज़्यादा ले लो। कहेगा ठीक है बना देंगे, बना देगा। लेकिन यह मकान, यह मनुष्य रूपी मकान, ये इसको किसी भी बिल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैद्य हकीम से कहो कि मेरे बच्चे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो तो निकाल नहीं सकता है। 9 महीने तो रहना ही रहना पड़ता है। और उसमें भी जिसके पेट में बच्चा है उस माँ से कोई गलती बन गई, खाने में या आचरण में, चाल चलन में कोई गलती बन गई तो बच्चा ठीक से नहीं बन पाता माँ के पेट में, लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है। आवावे समझो, इसीलिए ये जो माताएं हैं बहुओं को सब समझाती रहती, बताती रहती कि ये चीज तुमको नुकसान करेगी, अब तुम पुरुष से दूर रहना। और ये देखो ग्रहण लगने वाला है, सूर्य चंद्रमा की किरणें तेरे शरीर के ऊपर न पड़े कि जिससे बच्चा खंडित हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए। आप देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ दिन अन्न पैदा होने के बाद जिंदा रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते, उसका भी क्या कारण है? यही सब कारण है कि उनका शरीर, उनका मस्तिष्क यानी खूब परिपक्व नहीं हो पाता है और वो उस 84 के चक्कर में फिर आ जाते हैं, फिर वो छोटी योनियों में चले जाते हैं। उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, उनको तो फिर वही कीड़ा मकोड़ा और फिर वही अन्य समय लोग की जड़ जड़ जीव में जाना पड़ता है, छोटी छोटी खानों में, यानी उनको भी जाना पड़ता है। तो अब आप इस बात को समझो, जितनी भी माताएं और बच्चियां यहाँ पर आप बैठी हो, आप इस चीज को सीखो कि किस तरह से यानी उस समय पर रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए जब पेट में बच्चा आ जाए। दूसरी चीज आप ये भी समझो कि 2 बच्चे रहते हैं एक माता पिता के, और कहते हैं कि इसका दिमाग तेज है, बड़े वाले का बड़ा बुद्धिमान है और छोटा वाला ये बड़ा नटखट है और बुद्धिहीन है, बड़ा खुराफाटी, बड़ा गुस्सा है। एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे, एक ही रजबीज के, एक ही पेट में पले, लेकिन एक की बुद्धि तेज है और दूसरे की मंद है, उसका क्या कारण है? कारण यह है कि जो माताएं यानी ध्यान भजन सुमिरन करती रहती हैं, जिनके अंदर धार्मिक भावना रहती है, जो सच बोलती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं, दया भाव जिनके अंदर है, जिनके अंदर सेवा भाव है, परोपकार है, अच्छे भाव वाली हैं, उनके बच्चे अच्छे से पेट में पल करके बाहर निकलते हैं। जिनकी भावनाएं कलुषित हैं,
विचारधारा खराब है, झूठ फरेब और लोभ लालच और दुनिया के ऐश आराम की चीजों में ही फंसी रहती हैं। उनके बच्चे अच्छे नेक यानी पैदा नहीं होते हैं। अब आप ये समझो, छह तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाने में काम करती हैं। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। अब जब जीवात्मा डाली गई तो ये कहाँ की जीवात्मा है? ये आने समझ लो सतलोक की जीवात्मा है। तो वो किसी भी योनि की जीवात्मा हो, मनुष्य शरीर में आई हो, लेकिन डालते समय यानी उस मालिक से उसका संबंध हो जाता है। ये तार यानी धार जिसको कहते हैं यानी उस तार के द्वारा डाली जाती है। ना तो उस तार को आप इन बाहरी आंखों से देख सकते हो और न जीवात्मा को देख सकते हो। बहुत छोटी जीवात्मा, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं, उसके अंदर भी वही जीवात्मा, और ऊंट में और हाथी में वही जीवात्मा, और वही जीवात्मा आपके अंदर हमारे अंदर भी है, बहुत छोटी है। उस वो जो अन्य बनाया, अन्य बनाने वाला बड़े हिसाब से बनाया। आप देखो इतने आदमी आप बैठे हो, हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है, चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है। ऐसा अन्य समझ लो कि उसने बनाया। आप समझो एक आदमी जा रहा था तो उसको थकावट आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गया, लेट गया। ऊपर देखा तो पेड़ काफी बड़ा था। कहता है इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल, जामुन का पेड़ था, जामुन का काला काला फल होता है ना, और देखो कद्दू में कोई पेड़ नहीं होता, सीताफल कद्दू जिसको कहते, और इतना बड़ा बड़ा होता है, बेल में वो फल जाता है, उसका कोई पेड़ नहीं होता। तो कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, इसमें तो इतने इतने बड़े फल लगने चाहिए। कुदरत को कोसने लगा, तब तक एक जामुन टूट करके नाक के ऊपर उसके गिरा। कहता बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया, अगर कहीं कद्दू गिरा होता ऊपर से तो चेहरा बिगड़ जाता है, बिल्कुल सही किया। तो कुदरत ने जो किया बिल्कुल सही किया, इंसान जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। देखो भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष, वैमनस्यता, ऊंच नीच, जातिवाद, भाई भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, ये किसने पैदा किया? इंसान ने पैदा किया, भगवान ने यह सब कुछ नहीं बनाया। भगवान ने तो इंसान बनाया, और भगवान ने एक ही तरह से बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा और सबका मांस एक जैसा। आप देखो 4 दिन के बच्चे को, हिंदू को, मुसलमान सिख ईसाई के बच्चे को, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय और आप समझो हरिजन और वैश्य और यादव, इनके बच्चे को आप लेटा लो, कोई परख सकता है, बता सकता है कि ये बच्चा किसका है? ऐसे नहीं परख सकता। तो उसने जो बनाया वो बहुत ही सटीक और अच्छा बनाया, लेकिन उसका बनाना और उसका नियम को लोग समझ नहीं पाए। तो अब देखो मर रहे हैं, कट रहे हैं, यह मानव मंदिर को ढहा दे रहे हैं, जो भजन के लिए मिला था इसकी हत्या हिंसा कर दे रहे हैं, उन्माद में, उठावलेपन में, मान सम्मान उसमें बढ़ता है? किसी के मार देने से, काट देने से कोई सम्मान बढ़ता है कि घटता है? सम्मान घटता है, और पाप अलग से लगता है, नरकगामी अलग से होना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि यानी जीवात्मा जब डाली गई अंदर माँ के पेट में बच्चे के, तो मालिक का उस समय दर्शन उसको होने लग गया। जिस तार के द्वारा वहां से यानी डाली गई, उस तार से ही यानी समझ लो कि उसको दर्शन होता था। आप देखो
कि ये जितने जीव आप हो और यही नहीं संसार में जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के बंदे और उसी से उसके तार से जुड़े हुए। अब उसको आप इन बाहरी आंखों से देख नहीं पा रहे हो तो उस चीज को उस लीला को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे अन्य समय लोग की कोई अन्य नली होती है और नली से पानी अन्य फव्वारे के रूप में ऐसे गिरता है तो उसकी धारें अलग अलग होती है। ऐसे हैं तो सब एक जगह के लेकिन ये धारें अलग अलग हो गई, तो उसी से दर्शन मालिक का होता था, बहुत खुश रहता था। लेकिन पुराने जन्म में पहले के जन्म में क्या थे, मुर्गा थे कि भैंसा थे कि बकरा थे, कि मारे गए कि काटे गए कि सताए गए कि जेल में बंद किए गए कि नर्क में वहां तकलीफ झेले, यह सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तो उस समय जब देखता है तब रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि हमको फिर जाना पड़ेगा, जन्मना मरना सब दिखाई पड़ता है उसमें, फिर जाना पड़ेगा। तब प्रार्थना करता है कि अब दया करो। माँ के पेट में इस चीज की भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि जिससे मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है। यह भी ज्ञान रहता है कि जब सदगुरु मिलेंगे, समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तभी हम पार हो सकते हैं, तभी हम जन्म मरण और इन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है, और यह भी ज्ञान रहता है कि जब उसकी दया होगी, कृपा होगी, तभी हम ठीक से अनेश में पक करके बंद करके और आराम से निकल पाएंगे। इसके लिए भी वो प्रार्थना करता है, जैसे माताएं प्रार्थना करती हैं ना, जब पहुओं के पेट में बच्चे आते पूरा परिवार प्रार्थना करता है, और हम लोगों से भी आकर के कहता है कि दया करना, आप 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, बच्चा है पेट से है, इसका आराम से ही पैदा हो जाए, जैसे ऐसे प्रार्थना करते हैं ऐसे ही। अरे वो भी ये करता है कि ठीक से हम पढ़ करके बाहर निकल आवें और हमको जल्दी से समर्थ गुरु मिल जाए, हमारे अंदर ऐसा संस्कार भर दो, दया कर दो हमारे ऊपर कि हम किसी अच्छे के यहाँ अन्य सत्संग के यहाँ जन्म ले लें, ऐसे जगह पर जहाँ संत सदगुरु हमको आसानी से मिल जाए, इसके लिए भी वो प्रार्थना करता रहता है। अब देखो आपके संस्कार अच्छे न होते, संस्कार अच्छे आपके न डाले गए होते, उस मालिक की कृपा आपके ऊपर अगर न हुई होती तो आप यहाँ पर आते और आप सत्संग सुनते, इन बातों को जानकारी आप बहुत से जो नए लोग हो पाती, आप तो बस उसी में अन्य ताली बजाने में और हरे रामा हरे कृष्णा में और वही अन्य इतिहास राम का इतिहास और वही राम की लीला और वही कृष्ण की लीला और वही का वही महाभारत का घमासान सुनने में ही मस्त रहते। अब आपके ऊपर ये दया हुई उस मालिक की कि आप यहाँ पर आए हो और आपको जानकारी मिल रही है, गुरु महाराज की दया से आपको रास्ता भी मिल जाएगा पार होने का, दोबारा इस मृत्यु लोक में न आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो बराबर प्रार्थना करता है बच्चा कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति और सब अट्टा जी भजन करो दिन राती, या प्रभु या मालिक अब मुझको जल्दी से बाहर निकालो, बना करके पका करके बिल्कुल मजबूत करके बाहर निकालो, दिल दिमाग हमारा ठीक करके बाहर निकालो, और बाहर निकलने के बाद भी हमको ऐसी जगह जन्म दो कि जहाँ पर हमको जल्दी से सदगुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए, और हम ये वादा करते हैं, आपको वचन देते हैं कि बाहर निकलने के बाद हम दिन रात इस काम में लगेंगे। अब न दादा बप्पा का यही मग और, लेकिन बाहर आने के बाद वो वादा भूल जाता है। आप समझ लो कि जमीन पर पैर रखते ही ये काल और माया का देश बताया गया, माया का पर्दा पड़ जाता है, मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे दर्शन बंद होता है तैसे बच्चा चिल्लाता है कहाँ 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 पहुँच गए, तैसे रोता है। बच्चे का रोना कोई समझ पाता है क्यों रो रहा है क्या कह रहा है, आदमी का रोना तो समझ जाता है,
आदमी के हाथ पैर का इशारा तो समझ जाता है, ऐसे करोगे तो कोई कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, इस तरह से कहोगे ऐसे हाथ दिखाओगे तो कहेगा भूखा है कुछ खिला दो, लेकिन वो जो हाथ पैर का इशारा करता है बच्चा, उसका कोई जल्दी समझ पाता है? तो मोटी बात आप ये समझो कि रोता इसीलिए है बच्चा है कि वो मालिक का दर्शन होना बंद हो गया। ये गर्मी और ठंडी नंगे बदन में जब लगती है तो मालूम पड़ता सैकड़ों सुई बदन में कोई चुभो रहा है। आज तक कोई बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ? सब नंगे पैदा होते। आप कोमल जगह पर, मुलायम जगह पर माँ के पेट में रहते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो उसके कोमल शरीर में, यानी ये गर्मी ठंडी बहुत तेज असर करती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि रोते हुए पैदा हुए, यानी पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, और पढ़ाई लिखाई कर लिया, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। देखो जिसके बच्चे नहीं, कितना रोता है, जगह जगह जा करके रोता है, मिट्टी पत्थर पर मत्था पटकता है, कहो पेड़ में देवता हैं और वहां से मत्था पटको, ये पत्थर के भगवान, ये भगवान है, इन पर मत्था पटको, तो चला जाता है, कहो चलो मजार पर चढ़ते चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वसुण देवी चुनरी चढ़ाओ, चला जाता है, कहो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बकरा भी काट के चढ़ा देता। सोचो कितना जघन्य पाप करता है, जिसको बना नहीं सकते, जिसकी बोली तकलीफ नहीं समझ सकते, उस यानी समझ लो कि यानी उस पक्षी को, उस यानी समझ लो कि जानवर को आजकल लोग मार करके चढ़ा देते हैं देवता के सामने। अरे देवता, देवता अगर समझ लो कि उनमें होते तो देवता इस चीज को नहीं पसंद करते हैं, हिंसा हत्या को। अब देखो दुर्गा की मूर्ति के, काली की मूर्ति के सामने जानवरों को लोग काट करके चढ़ाते हैं, अगर दुर्गा जी तलवार लहराने लग जाए, इसे दिखाने लग जाए, तो कोई उनके सामने जाएगा कि हम चढ़ा करके और चलो पका करके खाएंगे? जवान के स्वाद के लिए बहुत से लोग चढ़ाते, जिस बकरे को बच्चे की तरह से पालते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को आने चढ़ा देते हैं खाने के चक्कर में, जवान के स्वाद के चक्कर में चढ़ा देते हैं। ये क्या है, ये अनभिज्ञता है, ये समझ लो कि नाम के लिए कि हमने कुर्बानी दिया अर्चने की और इस तरह से किया, हमने चढ़ाया, बहस ते हैं, अपनी तारीफ अपने ही मुंह से करते हैं। कहते हैं ना 150 फुट की मूर्ति हमने बनाया हनुमान जी की, अब हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाले से अगर हनुमान जी बोलने लग जाएं कि तुमने हमको ला करके धूप में खड़ा कर दिया, जितनी हवा चल रही है तेज हमारे ऊपर, जो बारिश हो रही है हमारे ऊपर, और ये गदा जो हाथ में लेकर के पानी खड़ा कर देते हैं मूर्ति की, वो गदा अगर लहराने लग जाए कि तुम आने पाप करके आने समझ लो हमारी मूर्ति पाप की कमाई से नहीं बनाओगे तो कोई बनाएगा? वो तो ऐसे ही खोजते, न डोले न बोले, ऐसे देवता के सामने चलो और स्वार्थ में ऐसे जीवों को काट करके चढ़ा दो। तो मोटी बात आप ये समझो, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है, कभी कोई भी आप बलि मत चढ़ाना, बहुत बड़ा पाप है, और उससे देवी देवता खुश होने वाले नहीं, बल्कि और पाप के यानी आप भागीदार बन जाओगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लोभ में ललच में बच्चे के यानी समझ लो कि लोग जीव हत्या भी कर डालते हैं, लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं, और दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4-4 बच्चे, 4-4 बहुएं,
खूब सेवा करते होंगे। तो बुद्धा क्या बोलता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न ये मरने दे रहे न जीने दे रहे, अधर में लटका रहे, ऐसा बोलता है, ऊब जाता है ऐसे बच्चों से कि जिनका तौर तरीका यानी खत्म हो गया, जिनका खाना पीना उठना बैठना कमाना ये सब बदल गया। वो बुढ़ा के पास एक सत्संगी बैठा था तो कहा, काका लड़का तो आपका पढ़ लिख करके आ गया कमाने वाला लड़का, और बहू भी पढ़ी लिखी कमाने वाली आ गई आपके यहाँ। कहता है क्या कमाने वाला आ गया, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाती होगी, लड़का सेवा करता होगा, और सब बाहर से आया विदेश से आया बड़े शहर से आया, सब सीख करके तौर तरीका तहजीब वहाँ का सब बताता सिखाता होगा आपका आपको। बुढ़ा कहता था, बुढ़ा क्या कहता है कि जो तरीका था वो भी चला गया। सुबह उठता था तो भगवान का नाम लेता था, गीता के श्लोक रामायण की चौपाई पढ़ता था, और अब 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठता है, फटा पैंट पहनता है। बुढ़ा कहता है कि फटा कपड़ा हमने कभी उसको पहनने ही नहीं दिया, अब फटा पैंट पहनता है, पूछो कि ये क्यों पहनते हो। कहता बड़े आदमी पहनते हैं, फैशन है, वाह जाए ऐसे फैशन से, पैसा होता गया कपड़ा यानी शरीर पर से कम होता गया। कहता है बहू बस खाली इतना ही पहनती है और थोड़ा सा इतना बाकी, ऐसे देख करके शर्म आता है। बुढ़ा ऐसा बोलता है, अरे बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी, क्या खिलाती है, बनाती रहती है खाती रहती है, उसी हाथ से खाती रहती है उसी से बनाती रहती है परोसती रहती। अरे तो रोका नहीं उसको, अरे तो तुम्हारी चाची ने कहा, कहा तू ऐसा क्यों करती है, तब बोली कि टेस्ट करके बनाती हूँ कि कहीं खराब ना हो जाए खराब ना बन जाए। तो बुढ़ा क्या कहता है, भैया ये औरतें अपनी लड़कियों को रोटी बनाना ही नहीं सिखाती, कोई कपड़ा धोना पोछा लगाना बर्तन धोना ही नहीं सिखाती, बस ये तो कहती रहती हैं पढ़ाई कर लो कलेक्टर कमिश्नर बन जाओ। तब पूछा एक दिन कि रोटी हम वहाँ नहीं बनाती है, इतना दिन हो गया इसको, तो लड़के ने कहा होटल में खाती है। अब भैया होटल अगर बंद हो जाए तो ये तो भूखों मर जाएंगे, ऐसा बोलता है बुढ़ा। अब आप ये सोचो कि तौर तरीका तहजीब से बदल गया। आप देखो एक समय ऐसा था कि अन्य समय लोग की यानी बाप के आदेश पर बेटा जंगल चला गया था, राजा दशरथ के आदेश पर राम। एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था प्रेम में राम के साथ, अन्य समय लोग के लिए लक्ष्मण, लेकिन अब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा, अब बेटा बाप का कत्ल कर दे रहा, भाई भाई को मार दे रहा। तो अब आप इस बात को समझो कि यानी रोने धोने का ही संसार हो गया ये, इतने आदमी आप बैठे हो। अभी कहा जाए कि ऐसे आदमी कोई वीर हो कि जो हाथ उठाओ कि जिनके घर में 6 महीने के अंदर इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो कोई हाथ नहीं उठाओगे, और कुछ घर ऐसे भी मिलेंगे कि जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है, रोज कुछ कुछ लगी रहती है। बूढ़े न लड़ें जवान न लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं आपस, खून खच्चर होते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपके घर में इधर 6 महीने में कोई बीमार तो नहीं पड़ा, तो कोई भी हाथ नहीं उठाओगे, यानी हर घर में बीमारी,
यानी आप ये समझ लो कुछ घर तो ऐसे भी जिनमें बीमार कोई ना कोई रहता ही है। अब आप अगर विश्वास न करो मेरी बात पर तो मैं इसी में से बता सकता हूँ, 10-20-30 को बता सकता हूँ कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। अब आप ये समझ लो कि रोना रोना का यह संसार हो गया और इसी रोने धोने में ही अने समझ लो कि समय निकला जा रहा है। अने आप ये समझो किसी को होश आ रहा है कि भाई हमने क्या वादा किया था। कभी कभी थोड़ा सा होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए जब शमशान घाट पर जाता है तो वहाँ बैठ करके लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं रह गया, सब छोड़ कर चला गया, नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन सब कुछ छूट गया, कोई चीज नहीं लेकर गया। दूसरा बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, सबको अंबरघट बुलाएगा, यहाँ तो सबको आना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब यहीं के लिए करने में मत लगे रहो। आप नौजवान बैठा सुनता रहता है कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो बात तो किसी की गृहस्थी सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और जितने सुलझाता है उतनी ही यह गृहस्थी उलझती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनता नहीं, तौर तरीका मालूम होता नहीं। कर्मों का यह संसार है और यह कर्म कैसे करते हैं, एक दूसरे का लेना देना जो कर्म कर्जा है, यह कर्म कर्जा कैसे अदा किया जाता है, इसकी जानकारी तो हो नहीं पाती है। तो इस गृहस्थी को सुलझाने में इस कदर फंस जाता है कि जैसे अन्य समझ लो कि यानी मक्खी फंस जाती है। कौन सी मक्खी? एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फट जाते हैं, निकल नहीं पाती, ऐसे ही फट जाता है, ऐसे और उससे निकल नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्या करूं, गृहस्थी में फंसा हूँ, गृहस्थी हमको नहीं छोड़ पा रही। अरे वो नहीं छोड़ पा रही कि आप नहीं छोड़ पा रहे हो? देखो तोता पकड़ने वाले होते हैं, तोता है तो वो घिर्री बनवाते हैं और घिर्री बनवा करके पेड़ पर बांध देते हैं। अब तोता उसको फल समझ करके जाता है खाने के लिए, तो उस पर एक पैर ऐसे रखता है ऐसे, और जैसे पैर रखता है तैसे घिर्री घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसे दोनों पैर से ऐसे पकड़ लेता है और पकड़ करके लटक जाता है। तोता समझता है घिर्री ने पकड़ लिया, और पकड़ता कौन है? तोता। ये बंदर पकड़ने वाले होते तो पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं और उसमें चना डाल देते हैं, और बंदर जाता है और उसी में हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ लेता है और निकालने कोशिश करता तो निकलती नहीं, क्योंकि जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब जब मुट्ठी में चना आ गया तो मोटा हो गया, तो अब निकलता नहीं, दर्द करता है, निकालते समय चूचू बोलता है। उस वक्त पर तोता ये समझता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया, चने ने हमको पकड़ लिया, पकड़े रहता है चना, लेकिन समझता है कि चने ने पकड़ लिया घड़े ने पकड़ लिया, और उसमें चूचू चूचू करता रहता है, और उसी में पकड़ा जाता है, शिकारी पकड़ के ले जाता है। बंधन में जो एकदम फ्री घूमने वाला बंदर, वो बंधन में आ जाता है, उसके इशारे पर नाचता है, बहुत से अरे उसको नचाते हैं बंदर को। तो अब आप ये समझो
बंधे कीट मरकट की नाई, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, अमुठी ढीना गड़े फसारी। जैसे बंदर घने समय में फंसता है ऐसे फंस जाते हो गृहस्थी में, और गृहस्थी से निकलने का रास्ता आपको मिलता नहीं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब फंस जाओगे इंद्रियों के भोग में, आने समझ लो कि नभ्या और जिभ्या के स्वाद में, देखने के स्वाद में, सुनने के स्वाद में जब फंस जाओगे तो जल्दी निकल नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया भाई भोग भोगो लेकिन उसमें फंसो नहीं। लेकिन अब आजकल लोग फंस रहे बस इसी में, आने समझ लो कि जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, और देखा थी छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में देखते देखते यानी तारे सुबह होते ही छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते, ऐसे मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा ये मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर अगर आपको नहीं मिलेगा तो जीवात्मा का कल्याण हो नहीं सकता। जन्म मरण और दुख के संसार में आने से आप बच नहीं सकते हो। और मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का, पार होने का, और फिर भटक भटक चौरासी में आना पड़ेगा। इसलिए आपको चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो रास्ता कौन बतलाता है? सदगुरु बतलाते हैं। देखो गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। जो छोटा मोटा भी कोई काम सिखा देता है, माता पिता को भी गुरु बताया गया वो भी ज्ञान देते हैं, वो भी तो टट्टी पेशाब करने का, रोटी खाने का सब बताते हैं, समझाते हैं सब, वो भी होते हैं। नाभि जो काटती है डाई उसको भी गुरु बताया गया, नाम रखने वाले को भी गुरु बताया गया, और जो का खा गा ए बी सी डी पढ़ाते उनको भी गुरु बताया गया, ओंकार का भेद बताते उनको भी गुरु बताया गया। लेकिन सतवा गुरु सत शब्द लिखा हुआ है, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ है। शब्द से ही यह सारा संसार बना है, और शब्द से ही आप उतारे गए हो, और शब्द को पकड़ करके ही सुमृत लोक से आप अपने घर अपने मालिक के पास पहुँच सकते हो। तो जो शब्द भेदी गुरु होते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं, वो पूरे गुरु होते हैं, उन्हीं को मुर्शिदे कामिल, उन्हीं को वाले पूरा फकीर बताया गया। तो हमारे गुरु महाराज ये बताते थे रास्ता, बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को इन्होंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। जब यानी गुरु महाराज के जाने का समय हुआ तो गुरु महाराज ने हमारे लिए आदेश दे दिया कि ये बताएंगे, पुरानों की संभाल करेंगे और नए को आने समय लोग की नामदान देंगे। तो यानी उनके आदेश का पालन यानी हमने शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? कि गुरु के हर वचन का पालन किया जाए। गुरु आने समय लोग चाहे रैन में आदेश दें, चाहे शैन में दें, और चाहे बैन से दें, उस आदेश का यानी पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। गुरु महाराज ने आदेश दिया और हम लोगों को समझाने लग गए, बताने लग गए उनके जाने के बाद। तो कुछ दिन तक तो पुराने लोगों को ही समझाया बताया कि ध्यान भजन आप करो। ध्यान भजन जो लोग करने लग गए उनको गुरु के अंदर में पहचान हो गई और उनके शंकाएं निकल गईं। जिन्होंने ध्यान भजन नहीं किया उनके अंदर, बहुत से लोगों के अंदर शंका पैदा हो गई, और अब भी शंका पैदा हुई, बहुत से लोगों का अंदर अब भी शंका बनी हुई। देखो गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, कोई हान मांस का शरीर नहीं होता है। गुरु जब यानी मनुष्य शरीर में रहते हैं अपने उस पावर को यानी इस्तेमाल करते हैं, और जब शरीर उनको छोड़ने को होता है तो वो पावर दूसरे को देते हैं, पहले से ही तैयार करके रखते हैं कि ये इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा और इसका इस्तेमाल करके लोगों को फायदा दे पाएगा नहीं पाएगा। जिस तरह से कोई अच्छी चीज आपको रखनी होती है तो बर्तन बढ़िया से साफ करके तब रखते हो कि कहीं गंदे बर्तन में रखने खराब हो जाए। जब आपको दूर रखना होता है,
खुद साफ करते हो कि कहीं उसमें दही का छाछ का यानी कोई अंश न रह जाए, तब आप उसको रखते हो, उसी तरह से सदगुरु तैयार करते हैं और फिर उस शक्ति को पावर को उसको दे देते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं, अपने मिशन की पूर्ति करवाते हैं। तो कहा गया परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर परमार्थ के लिए इस धरती पर आते हैं। कौर वृक्ष कबो ने फल बके नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, तो परमार्थ का वो मिशन चला देते हैं और उसी को पूरा करने के लिए यानी उसको पावर दे देते हैं और उससे जीवों का काम कराते हैं, भला करते हैं। लेकिन सदगुरु जिन जीवों को खुद पकड़ते हैं उनको कभी छोड़ते नहीं। देखो सब कुछ तो दे दिया, शरीर को बनाने का, सृष्टि को चलाने का, अन्य समझ लो कि सत्पुरुष ने सब निरंजन को दे दिया, जिनको आप काल भगवान ईश्वर कहते हो, लेकिन अन्य समझ लो कि वो पावर अपने पास रखा कि जिससे उसकी मनमानी न चले। यानी आप ये समझ लो कि माया मन की डोर किसके हाथ में, माया के, और सूरत यानी जीवात्मा की डोर किसके हाथ में, काल के हाथ में। इसीलिए मरकर समतुम बने अनाड़ी, यानी समझ लो उसी नारापन आ गया, यानी वो जानकारी खत्म कर दिया, माया ने फेर दिया, यानी पर्दा लगा दिया, जानकारी खत्म हो गई। तो सूरज की डोर को जब सदगुरु यानी नामदान देते हैं तो काल के हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं और ले जाकर के वहाँ गुरु पर स्थान, जहाँ उनका स्थान होता है त्रिकुटी के पास, वहीं पर एक तरह से जैसे बांध देते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे यानी कोई लड़का है, लड़की से शादी करके उसको अपना लेता है, ऐसे ही ये सदगुरु जीवात्मा को अपना लेते हैं और फिर यानी समझ लो कि जब अपना लेते हैं और बुहर थप्पा मार देते हैं तब कोई कोई रोक टोक नहीं होती है। और समझ लो सदगुरु का आना जाना, यानी समझ लो सतलोक का हमेशा रहता है, हर देशों से उनका आना जाना होता है, तो उनके पीछे यानी बहुत सी जीवात्माएं जो उनसे यानी प्रेम करती हैं, उनकी अपनाई हुई होती हैं, वो पीछे पीछे चली जाती हैं। कि जैसे पुरुष कहीं जा रहा हो और उसकी औरत उसके पीछे हो तो उसकी रोक टोक नहीं होती है, ऐसे ही वो निकल जाती हैं। तो अब आप ये समझो जिन जीवों को वो पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, रहते तो सतलोक में हैं लेकिन बराबर यानी त्रिकुटी धाम तक अपने जीवों के संभाल के लिए आते रहते हैं। अब जिनको अंतर में पहचान हो जाती है सदगुरु की, ध्यान लगाने पर यानी अंतर में दर्शन हो जाता है, उनको तो कोई शंका नहीं रहती है। लेकिन जो बस खाली यानी बातों में ही उलझे हुए रहते यानी किताबों में ही उलझे रहते हैं यानी वो यानी फंसे रह जाते हैं, वो तो शंका में ही समय को अपने बिता देते हैं और असला काम को वो अपने छोड़ देते हैं। आप देखो कि आदमी जब कहीं फंस जाता है तो उसको वही दिखाई पड़ता है जैसे एक गृहस्थी है, और आलस्य यानी आदमी को यानी समझ लो कि यानी आगे नहीं बढ़ने देता है। नामदानी हो ना आप लोग, बहुत से लोग गुरु महाराज के नामदानी, आप लोग आलस्य करते हो और अपने समय को निकाल दे रहे हो। देखो एक महात्मा जी थे, घूमा करते थे, तो उधर से जा रहे थे, शाम का समय था, तो एक दुकानदार था व्यापारी, छोटी दुकान थी, गया पैर छुआ और कहा महाराज आज रात को हमारे यहाँ रुक जाइए, हमको सेवा का मौका दे दीजिए। सेवा भाव पहले के समय में बहुत होता था, कोई किसी के दरवाजे पर पहुँच जाता शाम के समय तो रोटी खिलाता था, रहने की जगह देता था, और ये तो साधु वेश में थे तो साधुओं की तो बड़ी पूजा होती है। अब आजकल जो औरत मर जाती है तो दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और फिर वही साधु बन जाती, बहुत से लोग सिर मड़वा करके साधु बन जाती, कहा ना कि मैं मोड़ मड़ाया तीन गुण, सिर की मिटे खाज और पकी पकाई रोटी मिले और लोग कहें महाराज, तो बहुत से लोग तो
पकी पकाई रोटी बढ़िया खाने के लिए बन जाते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। पहले साधना करते थे, साधते थे। साध का मतलब क्या होता है? साध लो शरीर को, साधना करते थे तो बड़ा सम्मान था, और उनके पास पावर भी थी। जो आंतरिक जैसे बाहर आप मेहनत करके पढ़ाई करते हो तो कलेक्टर कमिश्नर बन जाते हो तो पावर हो जाती है, मेहनत करते हो ईमानदारी से, लक्ष्मी को ठीक ढंग से लाते हो पैसा हो जाता है, स्थिर रहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक कमाई होती है, उसमें भी शक्ति अर्जित की जाती है। तो लोगों के अंदर शक्ति रहती थी, लोगों का उससे भला करते, तो ले गया उनको और आदर सत्कार किया। रहे रात को जब सुबह चलने लगे तब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, तो बोले बोलो कुछ कहना है। कहा महाराज क्या कहना है, आप देख रहे हो क्या हालत है, किस तरह से है। तो औरत ने कहा महाराज गरीबी है, तो उसमें कुछ दया हो जाए, गरीबी मिट जाए। तो बोले अच्छा, तो उससे पूछा सेठ से, बोल तू क्या चाहता है, रुपया पैसा चाहता है कि सोना चांदी चाहता है, क्या चाहता है। उसने कहा महाराज हम क्या बताऊँ क्या चाहते हैं, अब आप जो चाहो वो दे दो, जो आपकी इच्छा हो मौज हो। तो किसी से कोई चीज़ अगर मांग लो आप तो वो चीज़ दे देगा, और उसके ऊपर डाल दो आप तो उसके पास बड़ी चीज़ है तो बड़ी दे देगा, छोटी दे, उसके पास देने में क्या है। जो करोड़पति है उससे अगर आप 1,50,000 मांगो तो यानी समझ लो दे देगा, उसके लिए क्या है। और यानी आप मांग लो कि 100 रुपया 500 रुपया दे दो तो 100-500 दे देगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देख, तुझको मैं सोना बनाने वाला पत्थर देता हूँ, पारसमल पत्थर होता है ना, पारसमल पत्थर को आप जो है वो किसी भी लोहे से छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो कहा एक पत्थर मैं तुझको देता हूँ, एक महीने के लिए दूंगा, अब एक महीने के बाद ले लूंगा, बस केवल एक महीने के लिए है ये, और तू इसको लोहा से छुआएगा तो समझ लो तू सोना बन जाएगा। अब पत्थर को बड़े बढ़िया ढंग से साफ सूफ करके और गले में रख लिया, वो जिसमें रुपया पैसा रखता था संदूक में बॉक्स में उसी में रख लिया, और अपना धंधा करने लगे। धंधा करने लगा उसी में भूल गया वो कि पत्थर भी है। तो एक दिन ऐसे ऐसे ही नोट छांट रहा था उसमें हटा करके, तो देखा पत्थर रखा है, तो याद आ गया कि कहा कि यानी इसको छुआया जाए लोहे से। तो सोचा कि कौन से लोहे से छुआएं, कलछुल से छुआएं कि चिमटा से छुआएं। कहा कि ऐसे नहीं, कलछुल चिमटा इन चीज़ों से नहीं छुआएंगे, लोहा खरीद करके लाएंगे बाजार से और उससे छुआएंगे। और 2-4 दिन 6 दिन फिर निकल गया, और फिर एक दिन उसको पत्थर दिखाई पड़ा, तो बोला आप शाम को दुकान बंद करने के बाद एंड थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे और चलेंगे लोहा बाजार से खरीद करके लाएंगे। तो लोहे की दुकान पर पहुंचा तो कहा बताओ भाई सेठ जी लोहा क्या भाव है। अरे कहा सेठ ले जाओ, लोहा तो अभी समझ लो कि 7 रुपया का शेयर है, 5 रुपया था 2 रुपया बढ़ गया, 7 रुपया हो गया, तो ले जाओ लोहा करना चाहिए। तो उसने कहा कि अब 5 से 7 हो गया तो अब क्यों लें, अब जब फिर 5 होगा तब लेंगे। लौट आया नहीं खरीदा, फिर बेटा 10-15 दिन बीत गया, 10-15 दिन बीता तब कहा भाई एक ही महीने का तो समय दिया है और समय निकल जाएगा तो बेकार हो जाएगा, चलो लोहा खरीदा मैं। तो गया पैसा लेकर गया, तो कहा भाई लोहा क्या भाव है सेठ। अरे बोले तुम ले नहीं गए और फिर दाम बढ़ गया 10 रुपया हो गया। अरे बोला तुम नहीं लेंगे, अब जब फिर 5-7 आएगा तो लेंगे। तो कहा ले लो, अरे समझ लो कि कोई उम्मीद नहीं है कि घटने की। अरे नहीं हम भी दुकान करते हैं, माल घटता बढ़ता रहता है, दाम बढ़ता घटता रहता है। बस फिर चला आया आप समझ लो। अब उसके बाद में फिर जब 2-4 दिन रह गया तो कहा कि अब अगर नहीं बना पाएंगे तो सब काम खराब हो जाएगा, समय निकल जाएगा, तो चलो चलो अब खरीद ला मैं। अब जब गया तो कहा रे अब तो बहुत भाव बढ़ गया, 15 रुपया हो गया। तो कहा इतना तो हम पैसा भी नहीं लाए, अब तो इतना कैसे इस 15 रुपये के भाव खरीद पाएंगे।
चलो 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 वापस चले गए। बस उसका समय निकल गया, समय निकल गया। जब वह फिर घूमते हुए महात्मा जी आए, समय जब पूरा हो गया, बोले लाओ हमारा पत्थर लाओ। अरे तुम तो ऐसे ही बैठे हो, तुमको तो महल बना लेना चाहिए और तुम्हारे पास तो हाथी घोड़े सब हो जाना चाहिए और तुम ऐसे बैठे हो, लाओ हमारा पत्थर दो। अब पत्थर लेकर के चले गए ऐसे ही। अरे यह समय जो आपको दिया वो आप ऐसे बेकार निकाल दे रहे हो, किसमें? बस वही गृहस्थी के काम में और उसी आलस्य में, यानी आपका समय निकला जा रहा है। आपके अंदर यानी जो गुरु महाराज ने यानी समझ लो कि वो पारसमर पत्थर, यानी समझ लो कि ये नाम रूपी पत्थर जो आपको दिया, इससे तो आप यानी जो चाहो यानी वो चीज आप बना लो। इसी में इसी शरीर को तो यानी बताया गया कि इसी में सब कुछ है, इसी में मरी है, इसी में मोती है, और इसी में जो है यानी गंगा जमुना है, इसी में कृष्णा कावेरी नदियां हैं, और इसी में देवी और देवता और तीर्थ हैं, और इसी में वो मालिक है, इसी में वो मिलता है। और मिला जिसको देखा, जिन्होंने कहा ना कि जो तिलमाही तेल है जो चकमक म्याप और तेरा साईं तू झिमे जान सके सो जान। यानी फकीर ने भी इसी चीज को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशा इसी में। लेकिन अब उसको आप जब नहीं देख पा रहे हो, मालिक को नहीं देख पा रहे हो, तो आपके अंदर शंका और भ्रम तो रहेगा ही। यानी कृष्ण ने भी यानी समझ लो कि अर्जुन से कहा था कि अर्जुन चलो गांधी उठाओ, गांधी उठाओ मैदान में चलो। तब उन्होंने कहा महाराज यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना दादा मामा खड़े हैं, मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूंगा, नरक नहीं जाऊंगा इनको मार करके। तब कृष्ण ने कहा तुम हमको पहचान नहीं पाए, नहीं पहचान पाए, इतना दिन हो गया तुमको और हमको तुम पहचान नहीं पाए। अच्छा मैं अब तुमको अपनी पहचान बताता हूँ, बैठो। और कहा बंद करो आँख, और जब आँख बंद किया और ठोका यहीं पर और खुली दिव्य दृष्टि, तो देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, चक्र सुदर्शन सब को काटता चला जा रहा है, हमको तो खाली निमित्त मात्र बनना है, काम तो सब कृष्ण कर रहे हैं। तब उनको कृष्ण की पहचान हुई, कृष्ण की तब पहचान हुई। द्रौपदी को अपने ऊपर जब तक भरोसा था, अपने हाथ से साड़ी पकड़े हुए थी, पैर से दबाई रही, कोहनी से दबाई रही, दांत से दबाई रही, जब दुशासन नंगा कर रहा था, तीर खींच रहा था, लेकिन जब थक गई, भरोसा टूटा, तब कृष्ण को पुकारा, कहा द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। तो आ गए जैसे आए तैसे अन्य समय लोग की साड़ी बढ़ गई, और दुशासन खींचते खींचते थक करके गिर गया। जब गिर गया बेहोश हो गया और द्रौपदी की लाज बच गई, तब द्रौपदी ने कहा प्रभु अब मैं आपको पहचानी, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया और पुकारते ही आप आ गए और आपने मेरी आबरू बचाई, लाज बचाई। लेकिन देखा कि कृष्ण के पैर के तलवे से खून निकल रहा है। द्रौपदी ने कहा प्रभु ये आपके तलवे से खून ये क्यों निकल रहा है? अरे आप जूता नहीं पहने, आप नंगे पैर आ गए। पलट करके देखा कांटे चुभे हुए थे, कहा आपने जूता नहीं पहना, आप नंगे पैर चले आए और इतनी दूर। तब उन्होंने कहा अरे द्रौपदी तेरी आवाज पर मुझे जूता पहनने का समय था, वक्त की आवाज पर, और मैं जूता पहनने में लगता, समय मैं अनि जाया नहीं करता हूँ भक्त की आवाज पर, तेरी करुण आवाज सुन करके मैं दौड़ पड़ा। अब देखो ऐसे ही गुरु पर शंका हो जाती, गुरु की बातों पर शंका हो जाती है, जैसे आपको बहुत से लोगों को गुरु महाराज की बातों पर शंका हो जाती है, ऐसे ही उसको भी शंका हो गई कि लोग कहते हैं कि कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, जहाँ पुकारो वहीं खड़े हो जाते हैं, तो
ये द्वारिका से दौड़ करके चल करके क्यों आए, यही क्यों नहीं प्रकट हो गए? तो देखो, शंका बहुत बुरी वाला होती है, शंका नाश करती है, शंका कभी नहीं करना चाहिए। शंका जब हो जाती है तो घर में महाभारत हो जाता है, शंका से ही तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। कैसे, ये भी बता दें। मान लो कोई औरत किसी को अपना भाई मान करके ही बात कर रही है और आदमी ने देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। नमक भर दिया दाल में, मिर्ची भर के सब्जी मर डालेगी पेट खराब करके, एक कच्ची कच्ची रोटी बना दिया, है झाड़ू नहीं लगाया, चादर नहीं धोया। अब वो भी अगर कुछ बोल देगी तो वाक युद्ध चालू हो जाएगा, वाक युद्ध यानी जबानी लड़ाई चालू हो, और फिर उसके बाद में घूसम घूसा चालू हो जाएगा यानी शारीरिक लड़ाई चालू होगी, और उसके बाद में कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी, तलाक का दहेज का मुकदमा चालू हो जाएगा। औरत को अगर शंका होगी, कोई पुरुष किसी को अपना बहन मान करके ही बात कर रहा और औरत ने धीरे से देख लिया, शंका हो गई तो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में गुस्से में चार छह बर्तन पिचक्का डालेगी पटक करके, अपना ही बाल नोट डालेगी। सर, शंका बहुत बड़ी 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 बला होती, शंका नहीं करना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। तो द्रौपदी को शंका जब हुई तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु हमको शंका हो गई कि आपको लोग सर्वव्यापी सर्वत्र समझते हैं और आप द्वारिका से मेरी आवाज पर चल करके आए। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तूने ही तो कहा द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, तो मुझे द्वारिका से आना पड़ा, तू तो मुझको इंसान समझा और द्वारिकाधीश राजा समझा, और तब तूने कहा, तू कहती कृष्ण बचाओ तो मैं तो यहीं प्रकट हो जाता। ऐसे ही यानी आप जिनको शंका अंदर में बन गई है, गुरु को आपने मानुष मान लिया, गुरु के अंतर्यामित्व और गुरु के सर्वज्ञता सर्वव्यापकता का परिचय आपको नहीं मिल पाया, आपको परिचय जब अंतर में मिल जाएगा तो आपकी सारी शंका निकल जाएगी। तो देखो, आप सब लोगों को भजन यानी ध्यान और सुमिरन जो नाम रानी हो वो बराबर करते रहना है, और करते रहोगे तो गुरु की पहचान अंतर में हो जाएगी, फिर शंका आपकी निकल जाएगी। अब आप कुछ लोग आए हो नामदान लेने, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको नामदान दूंगा, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करना है। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है, इसमें कर्मों का लेना देना बहुत होता है, लेकिन जब गुरु का आदेश हो जाए तो कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनको हृदय में बसा करके मस्तक पर सवार करके और काम करो तो उसमें पूरी कामयाबी मिलती है और पूरी वो मदद करते हैं। लेकिन जब आदमी खुश होता है मुझे करना है, तब वो मदद नहीं करते हैं, और नहीं तो पूरी मदद करते हैं। तो गुरु महाराज मदद कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये? अरे ये कौन, ये फोटो लगा है, फोटो नहीं, जिनका फोटो लगा है वो फोटो मूर्ति लोग बनाने लगे कब, जब महापुरुष चले गए तब, और मूर्ति को मान्यता देने लग गए कि अगर मूर्ति नहीं बनाएंगे तो राम का रामलीला राशि लेना नहीं करेंगे तो इनका नाम लेवा खत्म हो जाएगा, नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा, कृष्ण की लीला कृष्ण की मूर्ति अन्य तब लोग बनाए कि जब वो चले गए, उस समय पर कहाँ लोग पहचान पाए उनको। यानी आप समझो कि एक से एक पढ़े लिखे अयोध्या में लोग थे, लेकिन राम के साथ कोई जंगल गया, अगर मालूम हो जाता ये भगवान है तो अयोध्या में कोई रहता, भगवान के पीछे सब दौड़ पड़ते, लेकिन उनको पहचाना नहीं क्योंकि उनके नज़दीक गए नहीं। जैसे आपके करीब जब कोई नहीं जाता है तो गर्मी का पता नहीं चलता है। आप देखो कृष्ण को लोगों ने पहचाना, एक से उस समय भी पढ़े लिखे लोग थे, पहचाना कृष्ण को गोपी और भालू ने, यानी आप समझो पहचाना कृष्ण बंदर और भालुओं ने, तो आज देखो उनकी रासलीला रचाई जा रही और बंदर और भालुओं की पूजा हो रही। हनुमान कौन थे, हरे बंदर ही तो थे, लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा और ता दिन ताहे न मिले हारा,
सुबह उठ करके बंदर का नाम ले लो तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पत्थर के ऊपर भी तेल और सिंदूर लगा करके रास्ते में आप रख दो तो हनुमान के नाम पर फूल पत्ती प्रसाद अब भी चढ़ने लगता है। राम से अधक राम कर दासा, तो ये मूर्तियां लोगों ने बनाई और जब कैमरा चला तो फोटो खींचने लग गए। तो ये फोटो किस लिए लगाया जाता है कि यादगार रहे इनकी, अगर भूल गए हो चेहरा तो फोटो देख करके चेहरे को उनके याद करो, क्योंकि गुरु को याद करना पड़ता है। गुरु यहाँ भी मदद करते हैं मृतलोक में भी और अंतर के लोकों में भी मदद करते हैं चढ़ाई में, क्योंकि अंतर के लोकों में भी फंसाव है, जैसे यहाँ फंसाव है तो उस फंसाव से गुरु ही निकालते हैं। इसलिए गुरु बराबर याद, गुरु को बराबर याद करना पड़ता है। तो मूर्तियाँ यानी लोगों ने बनाई और ये जो है यानी फोटो लोगों ने बनाया, इसीलिए बनाया। अब आप ये कोई कहो कि मूर्ति के सामने हम माला चढ़ा करके फूल पट्टी चढ़ा करके फोटो के सामने हम धूप आरती करके प्रसाद चढ़ा करके मुक्ति और मोक्ष ले लेंगे, तो वो काम नहीं हो सकता है। यानी उनको जब आप याद करोगे, आंख बंद करोगे, अंतर में याद करोगे, उनके रूप को अगर आप भूल गए हो और फोटो देख करके मूर्ति देख करके फिर उसी रूप को आप याद करोगे तो अंतर में अन्य गुरु आपको अन्य रास्ता जो आप भटक रहे हो उसको बता देंगे, चाहे दुनिया का रास्ता हो और चाहे मतलब यह है कि अंदर का रास्ता हो साधना का, वो आपको बता देते हैं। तो अब आप ये समझो, मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। गुरु जब मददगार हो जाते हैं, आदेश दे देते हैं, तब आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए। तो नामदान देना शुरू कर दिया और लाखों लोगों को नामदान दे चुका हूँ और जो लोग कर रहे हैं उनको भी फायदा हो, अब आप करोगे तो आपको भी फायदा हो। यानी आप ये समझो कि वो नाम आपको बताया जाएगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरने पारा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही सुजन विचार करो मनमान, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। वो नाम आपको बताया जाएगा कि जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक जी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, वो नाम रूपे रत्न आपको दिया जाएगा। यानी समझ लो यानी यह है ध्वन्यात्मक नाम। दो नाम होता है, एक होता है वर्णात्मक नाम और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम से क्या होता है यानी समझ लो कि तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में उस नाम के लेने से मदद मिलती है, दुनिया के काम में उस नाम को लेने से मदद मिलती है, लेकिन ये जीवात्मा का कल्याण उस नाम से नहीं होता है, उसके लिए वर्णात्मक नाम की ही जरूरत होती है। समय समय पर इसीलिए महापुरुष लोगों को अन्य बताने के लिए, समझाने के लिए और फायदा दिलाने के लिए एक नाम को जगाए, जैसे राम नाम को उन्होंने जगाया, कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया, कृष्ण कृष्ण जो यहाँ जो बोले उनकी मदद हुई, राम बोले उनकी मदद हुई। देखो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, राम रावण युद्ध के पहले जो पुल बनाया गया वहाँ पर पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाल दिया, सब तैरने लग गए पत्थर और पुल बन गया। उस समय राम में शक्ति थी, कृष्ण आए कृष्ण में शक्ति। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में यानी जो सतयुग में नाम था गुरु नाम, उसको हमारे गुरु महाराज ने जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, जय माने जय मान या माने जो, जय मान माने जो हमेशा रहे तो हमेशा कौन रहता है, गुरु रहते हैं। गुरु अगर न रहें तो आगे आदमी जा ही नहीं सकता है। देखो अपने साधना के बल पर यानी वेद व्यास के लड़के सुखदेव यानी विष्णु लोक तक तो पहुँच जाते थे, लेकिन वहाँ से वापस कर दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया है तो विष्णु लोक में अंदर नहीं जा सकते हो। इसीलिए गुरु की हमेशा जरूरत रही। आप समझ लो कि कबीर साहब अन्य कलयुग के अन्य समझ लो प्रथम संत थे, योगजीत अन्य यहाँ पर उनके शरीर में आए थे, लेकिन उन्होंने भी अन्य रामानंद जैसे अन्य विद्वान को अपना गुरु बनाया था। तो गुरु हमेशा यहाँ रहे, इसलिए गुरु महाराज ने जय लगाया और देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान परमात्मा का गुरु महाराज ने बताया,
बहुत से लोगों ने परीक्षा इम्तहान भी लिया और जय गुरुदेव नाम बोले मुसीबत तकलीफ में फायदा हुआ, लाभ हुआ। मरते समय जब पीड़ा हुई हड्डी हड्डी चटकी तो यानी कान में जय गुरुदेव बोले और वो दर्द खत्म हो गया, यमराज के भयंकर दूत हट गए और मरने वाले ने सब बयान किया बता दिया। तो बहुत सी अन्य लोगों ने अन्य परीक्षाएं ली और उसमें अन्य गुरु महाराज का ये जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम अन्य समय लोग खरा उतरा अन्य सिद्ध साबित हुआ। अब गुरु महाराज तो चले गए लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, ताकत है। कहीं भी मुसीबत में कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम बोल करके अन्य मदद ले सकता है, पावर इसमें है। अन्य समझ लो वर्णात्मक नाम जय गुरुदेव नाम में, लेकिन पार होने का जो अन्य समझ लो नाम है आपका दुख के संसार में ना आने वाला जो नाम है, अन्य समझ लो कि फिर दोबारा आपको दुख के संसार में ना आना पड़े, पार हो जाओ, वो नाम मैं आपको बतलाता हूँ। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आप जो मुँह से बोलते हो आपके मुँह से आवाज निकलती है, इसी तरह से इस वक्त के पांच धनी पांच नाम है, इनका रूप है और इनका चेहरा है और इनकी आवाज है। इनके लोकों में से होकर के यानी जीवात्मा ऊपर जाती है तो इनको खुश करना पड़ता है कि कहीं वो बाधा न डाल दें, इसलिए इनका सुमिरन कराया जाता है, इनको बताया जाता है, याद कराया जाता है, जानकारी इनकी कराई जाती है, खुश किया जाता है। तो ये पांच नाम है, पांच रूप है, पांच स्थान है, पांच की आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको रटाऊँगा, याद कराऊँगा। आप जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका लिखा हुआ कागज यही सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से आप पूछ लेना और पूछ करके लिख करके याद करके कागज को फाड़ करके किसी नदी तालाब में या सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है और आपका हो जाएगा नुकसान, क्योंकि ये नाराज हो जाएंगे कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, बेकदरी किया, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि आप जब आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्यचंद्र लोकों में जाओगे और वहाँ का दृश्य वहाँ का नज़ारा जब आप देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो जाओगे तो उसको हजम जल्दी नहीं कर पाओगे, दूसरों को भी बताने लग जाओगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, ना तो वो मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी और ना वो दृश्य सीनरी आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े किसी को भी मत बताना। आपके साधना में कोई दिक्कत आती परेशानी आती है तो हमारा आश्रम उज्जैन में है, आप चिट्ठी लिख लो बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन, तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। हम बराबर आते रहते, दौरा ही करते रहते, जहाँ नज़दीक में हमें आप आ जाओ, आप पूछ लो, आप उज्जैन आ जाओ, वहाँ कार्यक्रम होते रहते, होली दिवाली का भंडारे का ऐसे भी, नए वर्ष का और ऐसे भी कार्यक्रम होते रहते, आप वहाँ पर आ जाओ, आप पूछ लो। या आप जिसको ये समझते हो कि इसकी अच्छी साधना है, अच्छा साधक है, उससे भी आप पूछ सकते हो, लेकिन जो दिखाई और सुनाई पड़े उसको उससे भी नहीं बताना है, है नहीं तो फिर बता दो तो फिर वो ख़त्म हो जाए, बताना किसी को नहीं है। तो अब आप ये समझो कि आपको किसी को बताना नहीं है। अब भाई नामदान तो आपको दिया जाएगा लेकिन नामदान के बदले दक्षिणा, अरे तो कुछ तो देना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति रही है, भारत देश की यह मर्यादा रही है कि दीक्षा मंत्र लो तो कुछ दक्षिणा दो, तो दक्षिणा आपको क्या देना है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है।
जो अभी तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। आप शाकाहारी भोजन खाओ, जो मनुष्य का भोजन है, जड़ वस्तु जो मनुष्य के लिए परमात्मा ने बनाया खाने के लिए, उसको आप खाओ। जब से लोग मांस खाने लग गए, तब से बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि खून इससे बेमेल हो जाता है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, आदमी आलसी हो जाता है और मेहनत करना नहीं चाहता, ऐसे कमाई करना चाहता है और उससे बढ़कर खत्म हो जाती है। आप देखो, मार करके लाते, लूट करके लाते, जुआ में लक्ष्मी को जीत करके लाते हैं, लक्ष्मी उनके पास रुकती हैं? कभी नहीं रुकती हैं। जुआरी से पूछो तो उनके पास कितना पैसा है, कितना जीता तूने, कहेगा करोड़ों रुपया जीता है, कितना कुछ नहीं। चोर से कहो कि तू लक्ष्मी को चुरा करके लाया, कितना चोरी किया तूने, तो कहता करोड़ों रुपये की, और है तेरे पास कितना, कुछ नहीं। ऐसे समझ लो कि बुद्धि ठीक से जब नहीं काम करती है तो आदमी असफल नहीं होता है, मेहनत भी करता है और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। बुद्धि तो मुख्य चीज होती है, बुद्धि इससे खराब होती है। देखो, बुद्धि जब खराब हुई रावण की, तो उसकी विद्वता और ज्ञान सब खत्म हो गया। चार वेद का यानी वो पुराण का, चार वेद 18 पुराण का जानकार था। सोने की देखो लंका थी, और यानी समझ लो उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, और रावण जब मैदान में उतरता था लड़ाई के लिए, तो देवता लोग हट जाते थे उसके सामने से, इतना बलवान ताकतवर था। लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था, और जब बुद्धि खराब होती थी दूसरे की औरत को गलत नजर देखता था, उसी से उसको राक्षस कहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो ऐसा काम क्यों करने का? देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है और पकाता है और खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना, आप घर में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पक्की बात समझ लो। अभी तक जो हुआ सो हुआ, आप तौबा कर लो, कान पकड़ लो, मालिक से माफ़ी मांग लो कि अब हम घर में पकाएंगे खाएंगे नहीं, नहीं लाएंगे। देखो, मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है, खकार के थूक दो, टट्टी पेशाब कुछ भी डाल दो, सब खा जाती है। आप देखो, कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा उसको खाते हैं। अब गीद और कौवे का खाना जब आदमी खाने लगेगा, सोचो बुद्धि सही रही, आप मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़ों को। कीड़े के ऊपर आप बढ़िया रबड़ी मलाई लगा दो और मुर्गी के सामने डाल दो, तो मुर्गी कीड़े को ऐसे पकड़ती है, ऐसे हिलाती, और जब मलाई निकल जाता है तब खाती, गंदी चीज़ों को ही खाती। और उसका खून बना और फिर खराब खून इकट्ठा हुआ और उसका अंडा बना और उसको खाया, तो कितनी गंदी चीज़ को खाया। अब इनको नहीं जानकारी है, वो तो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जो डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं, अंडा खाते खिलाते हैं, सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ सकता है? एक नट ढीला हो जाए तो मुंह केवल गिरता है। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी उड़ करके गए, संजीवनी बूटे लेने के लिए उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज बना जो पहाड़ उठा के ले आओ संसार में? अरे, सती सावित्री ने देखो पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, वो भी तो कोई विज्ञान था। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना,
बच्चों का तो इस वक्त पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे 7-8 साल के बच्चे हो जाए तैसे ध्यान रखो, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे, यानी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने के नखरे में सिनेमा तो नहीं देख रहे हैं, टीवी में यानी उसमें मोबाइल में कंप्यूटर में, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों का, नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर जिनके लिए मेहनत करते हो, कमाते हो, घर मकान बनाते हो, बच्चों को रुपया पैसा इकट्ठा करते रखते हो कि ये हमारे काम आएगा, तो बर्बाद कर देंगे। और मिलावटी चीज़ें बाजार में बहुत आ गई, क्योंकि ईमान धर्म लोगों का बिक गया पैसे के पीछे, रातों रात लखपति बनने के चक्कर में मिलावटी खाने पीने वाली चीज़ों को बाजार में उतार दिया। अब बच्चे जब उसको खाते हैं तो किडनी खत्म, लीवर खत्म, छोटे छोटे बच्चों को सांस की बीमारी, बवासीर बकंदर हो रहा है। अब बच्चों को ही छोड़ो ध्यान रखना है, खाने पीने के लिए मना करना है, आपको भी अपने जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, नहीं तो मन आपका एक दिन अगर खिलाया उस चीज़ को तो बगैर उसके आपका यानी मन ही नहीं भरेगा, पेट ही नहीं भरेगा खाए हुए, इसलिए थोड़ा सा देखभाल करके कोई चीज़ खाना पीना। तो आप अंडा मत खाना और देखो शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में, जो शराब पीता है मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, वादा खिलाफी करता, क्या क्या नहीं करता है। शराबी पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, और सच भी बोले तो समझ लो कि यानी 60% कम करके ही समझना चाहिए, यानी कि ये समझ लो कि 40% तो इसमें झूठ होगा ही होगा, मिलावट तो होगी ही होगी। और अगर आपको परीक्षा लेना है तो तरीका बता दूँ, कोई अगर आपको कोई बात कह रहा है और आप समझ लो कि यह गलत हो सकती है तो सुन लो, 2 घंटे के बाद फिर पूछो, तो पूछोगे तो वैसा जैसा बताया था वैसा नहीं बता पाएगा अगर झूठ बोलेगा तो, और 2 दिन के बाद पूछो तो समझ लो कि उसमें समझ लो कि 8 आना कम हो जाएगा, और 2 महीने के बाद पूछोगे तो भूल ही जाएगा, 2-3 महीने बाद पूछोगे तो वो सब भूल जाएगा जो बताया था, लेकिन सही बात याद रहेगी, सही बात याद रहती है वो नहीं भूलती, सही जितना होगा उतना बताएगा, और बाकी वो सब भूल जाएगा वो, तो समझ लो कि ये झूठ बोल रहा है। आप याद रखो जो वो बोल रहा है लेकिन उसको याद नहीं रहेगा, और ऐसे परीक्षा लेकर देख लो। तो यह समझ लो शराबी के अंदर सारे अवगुण आ जाते हैं, यानी समझ लो समाज के, इसलिए शराब मत पीना। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो समझ लो 50% भ्रष्टाचार और अपराध अभी खत्म हो जाएगा अभी, और देश की राजनीतिक पार्टियां अगर खत्म कर दी जाए तो व्यवस्था अभी सही हो जाए। जितनी पार्टियां बढ़ती चली जा रही उतना ही वाद बढ़ता जा रहा है, उतना ही झगड़ा झंझट बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही ऐश आराम लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, उतनी ही गड़बड़ियां बढ़ती चली जा, पार्टियां भी खत्म कर दी जाए पार्टियां, और अच्छे लोग हर पार्टी में, देशभक्त लोगों को, शाकाहारी सदाचारी लोगों को पार्टियों में से निकाल लिया जाए, कुछ को पक्ष में बैठा दिया जाए, कुछ को विपक्ष में बैठा दिया जाए, तो अभी व्यवस्था सही हो जाए। अब आप देखो ये जो सरकारें हैं ये अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं, अच्छे लोग भी उसमें हैं और अच्छा ही सोचते हैं, देश के हित का जनता के हित की ही बात सोचते हैं, लेकिन बगल में वो गाय खाने वाले बैठे हुए हैं, वो पियक्कड़ बैठे हुए हैं, तो वो चलने नहीं देते, वो अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ये प्रांत की सरकारें हो, ये जानते चाहते हुए भी अन्य समय लोग कि ये कर नहीं पा रहे। तो अब आप ये समझो कि भारत ने जब संविधान बनाया था तो बाबा अंबेडकर साहब ने अकल लगा करके बनाया था, और बहुत अच्छा उस समय पर अन्य संविधान जब लागू हुआ था तो बहुत अच्छी व्यवस्था उसके अंतर्गत बन गई थी, लेकिन तब की परिस्थितियाँ और थी और अब की परिस्थितियाँ और हो गई। अब आप ये समझो कि उस समय पर आने समय लोग पैर में जूतियाँ भले लोगों के न रहती रही हूँ, लेकिन गरीब घर की औरतें आने समय लोग 2-2 किलो यानी चांदी और 1-1 पाव सोना शरीर पर पहनती थी, लोग मोटा ही खाते थे, हम मोटा पहनते थे,
लेकिन विचार लोगों के बहुत अच्छे थे, ऊंचे थे, और बहुत सा झगड़ा झंझट अन्य नियम कानून बना करके अन्य समय लोग गाँवों में ही अन्य खत्म कर दिया करते थे, और एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत था। यानी समझ लो कि कोई ये नहीं देखता था कि यह जो है किसी यानी दूसरे जाति का है। जिसके घर में यानी शादी हुई तो देखो पड़ोसी औरतें यानी चाहे अच्छे घर की रही हो, संपन्न घर के संपन्न रही हो, लेकिन वो अपने हाथ से आटा पीस करके और उसके यहाँ देती थी, घी इकट्ठा करती थी, यानी छाछ मट्ठा इकट्ठा करती थी कि भाई उसके लड़के की शादी है, गांव के इज्जत का मामला है, लाओ हम चलो इसको इकट्ठा करके दे देंगे तो उसकी शादी हो जाएगी। हर अन्य समय लोग के घर के बुजुर्ग अन्य सुबह उठते थे और उठ करके रोटी बनवा करके घड़े में पानी ले करके जिधर से लोग आते जाते थे रास्ते में जा करके बैठ करके उनको रोटी खिलाते पानी पिलाते थे। आगे समझो कैसा भाव लोगों के अंदर था। उस समय की परिस्थितियाँ और थी, अब की परिस्थितियाँ और हो गई। अब इसमें अगर संशोधन किया जाए, सबको बैठाया जाए, इसमें विशेषज्ञों को बैठाया जाए, और समय लोग की पार्टी के प्रमुख लोगों को भी बैठा लिया जाए, और समय लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठा लिया जाए, सेना अध्यक्षों को भी बैठा लिया जाए, और इसमें संशोधन अगर कर दिया जाए तो अभी कौम कौमियत जातवाद ये सब खत्म, भाई बात बिरादरी बात और ये जो है लड़ना झड़ना आने समय लोग की है प्रांतवाद और ये जो है भाषावाद ये अभी सब खत्म हो जाए, सारा बात खत्म हो जाएगा और मानववाद रह जाएगा और समय लोग की न्याय लोगों को मिलने लग जाएगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अब तो न्याय देने वाले न्याय दे नहीं पा रहे और लेने वाला न्याय पा नहीं रहा, सुरक्षा करने वाले ठीक से सुरक्षा कर नहीं पा रहे अपनी इच्छा अनुसार, और सुरक्षा पाने वाला सुरक्षा पा नहीं रहा है। न्याय और सुरक्षा यही दो चीज तो है, यानी इसको अगर सरकार दे रहे तो रोटी रोजी तो उस मालिक के हाथ में, जो पैदा होने के पहले माँ के अस्तन में दूध भर देता है, परवरिश तो वो करता है, देता तो वो है। जब नियत सही हो जाएगी, जब यानी लोग के भाव अच्छे हो जाएंगे, ईश्वरवादी खुदा परस लोग हो जाएंगे, तो वो तो देता है तो चप्पड़ फाड़ करके देता है। ये वो भारत भूमि है कि यहाँ पर आप देखो कि मरी और मोटी अन्य समझ लो कि समुद्र ला करके किनारे डालता था, जैसे इस समय पर सीप और शंख ला के डालता है, लेकिन नियत जब खराब हो गई तो बरकत बंद हो गई। तो आप देखो ये तो थोड़ी सी बात आपको बता दिया बीच में, अब हमको तो आपको नामरान देना है, तो अब आप यानी बुराई अपनी यहीं छोड़ जाओ। देखो ना जानकारी में भी आदमी बुरे कर्मों में फंस जाता है, बहुत से लोगों को यही यही जानकारी है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज बन गया है कि वहाँ पर बहुत से लोग खाने पीने वाले हो गए, माहौल ही ऐसा हो गया। तो हमको यानी किसी की आलोचना बुराई नहीं करनी, किसी भी जात पात की और किसी भी धर्म की और किसी भी व्यक्ति की या किसी बुरे के भी हमको कोई आलोचना नहीं करनी है, लेकिन हमको अच्छाई और बुराई का ज्ञान कराना है। अन्य समय जो ये तो जरूर बताना है कि भाई यह अच्छी चीज़ नहीं है, यह खाने पीने वाली चीज़ नहीं है। अब आप हमारी बात मान लोगे तो आप उससे फ़ायदा उठाओगे, हम तो आपसे अर्जी ही करेंगे, मर्जी तो आपकी रहेगी। तो आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, और मेहनत और ईमानदारी को अगर आप अपना लोगे तो आपको बरकत उसमें मिलने लग जाएगी। तो आपको अब दूंगा नामदान। अब आपको मैंने बताया कि पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज, यह मैंने आपको बताया। अब आप तीन चीज और समझो, सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं, आंख से देखने को, और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं, कान से सुनने को। तीन चीज और समझो, तीन आंख, तीन कान और तीन नाक, देखो दो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, और एक आंख अंदर जीवात्मा में जो यहाँ बची हुई, बीचों बीच में है, पांच स्थान इसके नीचे है, कंठ और हृदय और नाभि और इंद्रिय और वो संन्यास का स्थान गुदा है,
यहाँ पर देवताओं का स्थान है, गोदा पर गणेश जी का और रिद्धि सिद्धि का, और अन्य समय लोग की नाभि पर अपने इंद्रिय पर ब्रह्मा और सावित्री, और नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी, और हृदय पर शिव और पार्वती, और कंठ पर यहाँ आद्या महाशक्ति, यानी जो इन तीनों की माँ है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनका स्थान। यानी समझ लो कि रहते तो अलग हैं लेकिन उनकी रेंज यानी पड़ती रहती है। तो यहाँ पर चक्र हैं, ये चक्र चलते रहते हैं। चक्र जब चलता रहता है तो शरीर चलता रहता है, चलाती तो ये जीवात्मा है, यानी काम तो सब यही करती है, इसका प्रकाश पड़ता है वहाँ से वापस होता है। लेकिन जब ये चक्र रुक जाते हैं तो देवताओं का दर्शन होता है। पहले के समय में लोग चक्रों को रोकते थे, लेकिन आने समय लोग की उम्र ज़्यादा होती थी, जब 10,000 वर्ष की 1,000 वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र होती थी, उस समय पर लोग चक्रों को रोकते थे। अब उम्र कम हो गई तो नीचे की साधना खत्म कर दिया, अब 5 स्थान ऊपर का, जिधर से जीवात्मा ऊपर जाती है और जा करके अपने समुद्र में विलीन हो जाती, मालिक के पास पहुंच जाती है, तो वो बताया जाता है। तो 5 स्थान ऊपर है, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक, यानी सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक, 5 स्थान ऊपर, 5 नीचे, बीचों बीच में बैठी हुई, एक आँख उसमें है, उस आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखते हैं और इन बाहरी आँख से बाहर की चीज़ों को देखते हैं। जो कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और यह कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दो नाक या बाहर, देखो ये जो सुराख है ये नाक है, ये दो नाक, और एक नाक अंदर जीवात्मा में, तो बाहर के नाक से बाहर की खुशबू और जीवात्मा के नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो मस्ती आ जाती है, और वो खुशबू जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये खुशबू तो खत्म हो जाती है लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन, 3 चीज ये, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान, पर्ची मारो, बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूँ बैठ जाओ। ठीक गया गुरु दक्षिणा में, जमीन जायदाद सब चली, और सेवा इतना कराया कि समझ लो कि लकड़ी ढुलवाते थे जंगल से लाते थे, मोटा जोटा खाते आश्रम पर, और सेवा खूब करते हैं। तो खुश हुए गुरु, जब गुरु खुश हुए तो बोले भल्ला से, मांग ले जो तुझको मांगना है, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो कहा कि आप क्या मांगना, जब आप मेरे हो गए मैं आपका हो गया, अब क्या मांगना रह गया, लेकिन जब आप कहते हो तो मांग रहा हूँ। कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, ना तो ऐसी दक्षिणा लेना, कलयुग के जीव दे नहीं पाएंगे। तो इस समय तो कोई परीक्षा दक्षिणा कुछ, इस समय तो बस समझ लो कि आए और बता दिया गया, अब करोगे तो आपका फायदा, ना आपको घर छोड़ना, ना जमीन जायदाद छोड़ना, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में आप रहते हो रहो, जहाँ रोटी खाते हो वहीं रोटी खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, आपका जात धर्म कोई छुड़ाने छुड़ाया नहीं जा रहा, हमारे नज़र में तो सब आपको कौन, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश जीवात्मा सबके अंदर है, तो आप तो हम मालिक के बंदे हो, मालिक से मैं प्रेम करता हूँ तो आपसे भी प्रेम करता हूँ, क्योंकि आप उनके बंदे हो, तो आप तो हाथ पैर आँख कान देखते हो, नाम से पहचानते हो और पूछते हो कौन तुम्हारा जात धर्म है, आप तो ये सब चीज़ देखते हो, हमें तो आपकी जीवात्मा को देखता हूँ, जीवात्मा को, इसीलिए कि भैया जीवात्मा न फंस जाए, जीवात्मा तो सबके अंदर एक जैसी है तो वो न फंस जाए, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ गुरु के आदेश से, ऐसे अपने मन से नहीं। बैठो पालसी मारो, साप्ताहिक सत्संग होते हैं जगह जगह, यहाँ शहर में भी होता है हफ्ते में एक दिन, उसमें आ जाओ, आप लोग अपने अपने गांव में जहाँ से आए हो शाम के समय एक जगह इकट्ठा हो जाओ और वहाँ पर ध्यान भजन करो, हफ्ते में एक दिन इतवार को छुट्टी रहती है, दूसरे गांव में चले गए और वहाँ पर जो है इकट्ठा हो गए और वहाँ पर अपना 2 घंटा 3 घंटा किया, सुमिरन भजन जो लोग यानी नहीं समझ पाए हैं, नामदान ले लिए हैं उनको भी समझा दिया, आप लोग नामदान तो दिला देते हो लेकिन बाद में उनको सुमिरन ध्यान भजन नहीं समझाते हो,
कराटे नहीं हो तो पानी वो भूल जाते हैं, बीज तो पड़ा रहता है, लेकिन पानी अगर आप नहीं दोगे तो अंकुरित नहीं होगा, तो सिंचाई कर दो तो उसमें फल निकलने लगता है, ऐसे ही फल इनको नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे वो पौधा भी सूख जाता है। वो अन्य समझो के आना जाना और सत्संगों में अन्य आना जाना सत्संग सुनना वो भी लोग बंद कर देते हैं, बस दुनियादारी में अन्य फिर फंस जाते हैं और फिर उसी में जब अन्य तकलीफ आती है और दुनिया में धोखा मिलता है हाँ तब फिर याद आती है, तो फिर भक्कर आते हैं, तब तक उम्र खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाती है, तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, केवल मन जवान होता है, हवा के हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं, तो बुढ़ापे में कुछ भजन भाव भक्ति नहीं हो पाती और समय निकल जाता है। इसलिए बराबर जगह जगह साधना शिविर लगाते रहो, गाँव में यानी शाम के समय आप जितने भी लोग आए हो एक जगह बैठ करके और ध्यान भजन करो। मान लो इनको माताओं को बच्चियों को समय नहीं मिलता है, रोटी पानी बनाना रहता है सुबह शाम, तो दिन में इकट्ठा होकर के कर लिया करो, बराबर करो, एक काम अगर ये कर ले गए तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। तो ये सुमिरन ध्यान और भजन ये मैंने आपको बताया, और देखो थोड़ा शाकाहारी का करो प्रचार, शाकाहारी बनाना लोगों को बहुत जरूरी है, शाकाहारी और नशा मुक्त अगर नहीं बनेंगे तो ये प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करते रहेंगे, और जब भगवान के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो सजा देगा। जैसे घर में लड़का गलती करता है, समाज में देश में कोई गलती करता है तो सजा मिलती है, ऐसे कुदरत के खिलाफ जब काम होता है तो वो सजा देती है, तो भी तो तकलीफें बहुत आएंगी, क्योंकि बुरे कर्म को लोग छोड़ नहीं रहे, कभी तो बीमारियां भी बहुत आई, क्योंकि यह खान पान अन्य शुद्ध लोगों का हो नहीं पा रहा, मुर्गा भैंसा बकरा जो भी मिल जाए सब पेट में डालते चले जा रहे, खून बेमेल होता जा रहा है, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी, 1,000 रुपये में दवा 1 रुपये की दवा जो मिलती है वो नहीं मिलती, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर भी चकित रह जाएंगे कि कौन सी बीमारी है, इसमें दवा क्या देना चाहिए, और आप समझ लो कहीं बहुत पानी बरसेगा तो कहीं सूखा पड़ जाएगा तो कहीं तूफान चलेगा, एक एक साथ दो दो देवता तकलीफ देने के लिए तैयार, जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लगी कौन बुझा पाएगा, बरसात भी तेज होने लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, तूफान बन गया कौन रोक पाएगा उसको, तो कुदरती कहर बहुत आएगी, ये जमीन हिलेगी ऐसे वो कम पाएंगे, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। अब इस तबाही को बचाने के लिए यानी अकाल मृत्यु से बचाने के लिए थोड़ा आप मेहनत कर लोगे तो लोग बच जाएंगे, भक्तों की रक्षा होती है। देखो विभीषण का घात लंका जलते समय बच गया, प्रहलाद बच गए, ध्रुव बच गए, ऐसे भक्त बच जाते हैं, थोड़ी भक्ति इनमें लाने की जरूरत है, भजन भाव भक्ति कहा गया तो उसको लाने की जरूरत है, प्रचार कर दो उसके बाद में आने समय लो दो यानी खराब समय के बाद बचेंगे, अच्छा समय देखेंगे। इस धरती पर ही सतयुग आने का संकेत मिलता है, लिंग पुराण के 40वें अध्याय सूर सागर में जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा हुआ मिलता है, और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते ही रहे यानी सत्संगों में सुनाते ही रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग अभी पूरा नहीं जा रहा है, इसका प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। अब समय नहीं तो मैं आपको सिद्ध कर देता कि कैसे कलयुग गया था सतयुग में और कैसे सतयुग वो कलयुग में आ रहा है, लेकिन अब आप ये समझो कि एक कुर्सी पर दो राजा नहीं बैठ सकते हैं, एक हटेगा तो दूसरा बैठेगा, तो कलयुग तो पड़ जाएगा कमजोर और सतयुग जब आने लगेगा तो पड़ेगा जबरदस्त, तो कलयुग भगेगा, तो जितने कलयुगी प्रेमी हैं उनको सबको साथ लेकर जाएगा और उसमें बहुत मरेंगे, तो जब उम्र पूरी किए बगैर मरते हैं तो प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट ही नहीं भरता, पेट बहुत बड़ा होता है, तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, अभी एक प्रेत घर में घुस जाता है पूरे परिवार को परेशान कर देता है, और जब एक एक पर 10-10 प्रेत लगेंगे
इसी तरह मुर्गा भैंसा बकरा आदमी कटेंगे और लगेंगे तब कोई चैन की रोटी खा पाएगा कि चैन की नींद सो पाएगा। इसलिए थोड़ा परमार्थी बन जाओ, आप अच्छे आदमी हो, आदमी को परमार्थी बन जाओ, दूसरों को समझाओ बताओ और प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने से रोको, वर्णामरण लाओ, वर्णानंदी बनाओ, भगत बनाओ तो उनकी रक्षा हो जाएगी। देखो देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी अन्य समझ लो मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की दुकान ही नहीं होगी। कोई औरत रात को 12 बजे किसी भी देश की सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी, भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। भावनाओं की ही तो बात होती है, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है, भावना विचार बदल जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा, लोग भजनानंदी ईश्वरवादी बन जाएंगे। भारत विश्व में आध्यात्मिक गुरु बन के उभरेगा। भारत का बनाया हुआ आने समय लोग के कानून पूरे विश्व में लागू होगा, भारत का विज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, आध्यात्मिक लोग बनेंगे, वो समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसको बड़ी सावधानी से पार करना है। देखो चोरी डकैती और ठगी ये सब अभी बहुत बढ़ेगी, इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। यानी सत्संगी भी बन जाएंगे, गुलाबी कपड़ा भी पहन लेंगे, चाहत भी पहन लेंगे और घर में घुस करके आपको खुश भी कर देंगे, भजन भी करेंगे 2 घंटा बैठ के और ठगी करके लेकर के चले जाएंगे। इसलिए होशियार रहना, सब बहुत सावधानी से समय को पार करना है, फिर अच्छा समय आ जाएगा, फिर कोई किसी को धोखा नहीं देगा, बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, लोग दूसरे की मदद करेंगे, यह सब समय तो आएगा। लेकिन ये बीच में ये जो समय है ये खराब है, इसमें बचने की जरूरत है। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी और 1-2 मार्च को, आप लोग उसमें आ जाइएगा। अभी तो काफिला निकल रहा है, आज काफिले का 2रा दिन है, कल काफिला जाएगा नासिक में, वहाँ प्रोग्राम होगा, फिर पूना, फिर आपके कराट, और कराट से फिर उधर यानी महालिमपुर, और महालिमपुर से फिर आपके बेलगांव, और बेलगांव से फिर उधर रोड़, और रोड़ से फिर आने समय लो संक्रांति को आपके उधर आने समय लो पंपा सरोवर, जिसको पंपापुर कहते हो, और वहाँ से फिर आने आपके टोरंगर, और फिर आपके चित्रदुर्ग, और फिर उधर आपके मंडिया, और आपके बंगलोर, और बंगलोर से फिर उधर आपके मैसूर, आने समय लो कि फिर उधर आपके कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से मदुरई, और मदुरई से रामेश्वरम, और रामेश्वरम फिर उधर चाकण या कोई ऐसी जगह है, वहाँ फिर आने समय लो कि आपके उधर 2-3 प्रोग्राम भी कोटा और वो करते हुए और आपके आ जाएंगे आने समय लो कि यानी त्रिपति बालाजी, और वहाँ पर चित्रूर, और फिर उसके बाद में आपके महमूदाबाद, और फिर उधर आपके यानी करते हुए आ जाएंगे यानी 2-3 कार्यक्रम और बीच में पड़ेंगे, और फिर आ जाएंगे हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर यानी समझ लो बीदर जिला में, और उधर से फिर आपके महाराष्ट्र में आ जाएंगे, और फिर आपके इधर यानी समझ लो कि नादेड़, और फिर यवतमाल, और फिर उधर आपके इस तरह से करते हुए चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में करेंगे, और यानी समझ लो शिवरात्रि का कार्यक्रम यानी उड़ीसा में करके, और फिर वापस आएंगे यानी समझ लो आपके छत्तीसगढ़ में 41वें दिन 16 फरवरी को इस काफिले का समापन होगा, 16 फरवरी यानी आप समझो कि रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी वहीं पर, तो 41 दिन तक ये काफिला चलेगा, बराबर प्रेमी सब चलेंगे, और फिर इसका समापन हो जाएगा, और फिर उज्जैन आ जाएंगे।
तो होली का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में फिर निकलेंगे, बराबर चलते रहते हैं। आप लोग थोड़ा साथ दे दोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। परिवर्तन के लिए निकले हुए कि सबको सुख शांति मिल जाए। हम सबको अपना मानते हैं, सबको। हमारे गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते थे, हर जात मजहब के लोग आते थे और हमारे पास भी आते हैं। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं और ना हम किसी पार्टी से बिकने वाले आदमी, किसी से बिकने वाले नहीं हैं हम, किसी पार्टी के नहीं। हम जनहित का काम करते हैं और जो जनता का हित करे, जो देश का भक्त हो, देशभक्ति का काम करे, हम उसके साथ हैं, हम उससे अलग नहीं। तो अब आप ये समझो कि ये आपको हमने सुनाया, अब इन बातों को आप पकड़ना, लोगों को और लोगों को बताना, और जिन्होंने नाम डाल लिया है आप लोग भजन ध्यान स्मरण करना। तो अब कर दूं छुट्टी, बोलो। बगैर भजन के कोई छुट्टी नहीं, बैठो 5 मिनट के लिए भजन कर लो, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में। आँख को बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो, मन को रोको, मन अगर रुक गया तो नहीं सुनाई पड़ जाएगा, देर नहीं लगती। बैठ जाओ भजन पर, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और फिर उसके बाद छुट्टी। आप एकदम बटापना रहता है शुद्ध, और धरती का मुंह भी अपने देश की तरफ रहता है, तो जल्दी खिंचाव होता है। 4 बजे उठ जाओ, हाथ मुँह धो लो, बैठ जाओ, देखो कितनी मस्ती आती, कितना आनंद आता है, करना सब लोग। तो अब एक होगी प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, निहर की नजर करो मेरी ओर, निहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी या प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम सब लोग बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। अधिकारी कर्मचारी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना और भजन सब लोग करते हैं। बोलो जय गुरुदेव।